हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन स्टेरो शो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2018 अपनी समाप्ति की ओर है और साल 2019 जो है अपने शुरुआती दौर में है। तो दोस्तों, चलो इसी सीरीज में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए साल 2019 क्या लेकर आया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सब जानना पहले से क्यों जरूरी है? सभी को क्यूरियोसिटी रहती है कि देखें आने वाला समय कैसा है, ये जानना क्यों जरूरी है? देखो, जब हमें पता होता है कि बारिश आने वाली है तो हम छाता लेते हैं ना, तो इसी तरीके से आने वाले समय के बारे में जानकर कुछ छोटी छोटी रेमेडीज लेकर हम अपने आने वाले टाइम को बेटर बना सकते हैं। तो इसी सीरीज में मैं अलग अलग वीडियोज अपलोड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें प्लीज बताइए कि आपको हमारी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। तो साल 2019 एरीज के लिए क्या लेकर आया है, मैं शुरुआत करती हूँ। देखते हैं कि साल 2019 में फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, परिवार के साथ एरीज कैसे रहेंगे। देखिए, मैं देख रही हूँ कि साल 2019 में एरीज की जो पारिवारिक जीवन है, अपने परिवार से उनका कैसा रहेगा, परेशानियों के योग हैं। और परिवार में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाएं। हो सकता है आपको गुस्सा ज्यादा आए, इसकी वजह गुस्सा दिखाई दे रही है। हो सकता है साल 2019 में आपका अपना नेचर ऐसा हो, आपको दूसरा सामने वाला गलत लगेगा, लेकिन नहीं, आपको भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने की जरूरत है। अपनी गलतियों को पहचानिए, अपने गुस्से पर काबू कीजिए और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाइए, किसी उपाय की जरूरत नहीं रहेगी। तो तालमेल अच्छा बिठाएं। और परिवार में हो सकता है किसी बड़े से आपकी अनबन हो जाए जो कि नवंबर में जाकर ठीक होगी। तो प्लीज एरीज, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और उनके साथ तालमेल अच्छा बिठा कर रखिए, वरना बहुत दिक्कत आएगी। नवंबर में जाकर पैचअप होगा, एक ही घर में रह के ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम देखेंगे कि मैरिड लाइफ एरीज की कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ ऑफ एरीज, मैरिड लाइफ पहले से बेहतर होगी। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उसको दूर होने के योग हैं, पैसे की कमी नहीं रहेगी और जीवन साथी के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा। बाहर जाने के योग हैं, हो सकता है 15 नवंबर के आसपास आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिले। तो एरीज, इस मौके को मत गंवाइएगा और घूम कर आइएगा। हेल्थ कैसी रहने वाली है एरीज की, हेल्थ एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी। मैं देख रही हूं कमर, जांग और जोड़ के दर्द, ज्वाइंट्स पेन भी एरीज को हो सकता है और कुछ वो फील कर सकते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का उनको ऐसा फील हो सकता है कि किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक किया है। और एरीज इस साल वेट भी पुट ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज अपने वेट का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने पर ध्यान रखिए। और नवंबर और दिसंबर मेंटली टेंशन और डिप्रेशन में जाने वाला दिखाई दे रहा है। तो एरीज, प्लीज ऐसी चीजों से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसी स्थितियों से बचिए जो कि आपको टेंशन और डिप्रेशन देते हैं, अपना ध्यान रखिए। अब हम देखने वाले हैं कि करियर कैसा रहेगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप नेम और फेम की उम्मीद करते हैं, तो वह मार्च से पहले आपको नेम और फेम मिलने के पूरे पूरे योग हैं। कांग्रेचुलेशंस, आप जो एफर्ट कर रहे हैं मार्च से पहले पहले उसमें आप अपना पूरा जोर लगा दीजिए, डेफिनेटली आपको नेम और फेम मिलेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। और अगर आप जॉब में हैं एरीज, अगर आप जॉब में हैं तो ये जॉब बदलने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है, तो जॉब बदलने का कोई चांस मत लीजिएगा। जो बिजनेस में है एरीज, उनके लिए देखते हैं, जो अपना खुद का कोई कारोबार चला रहे हैं,
बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा, नए क्लाइंट मिलेंगे और आप जहां हैं जैसे हैं आपको लाभ मिलकर ही रहेगा। बिजनेस के लिए एरिस का बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आप ध्यान भी रखिए बिजनेस में आपको शायद कोई चीटिंग भी मिल सकती है। अब देखते हैं एरीज, इन्वेस्टमेंट यदि कहीं करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम कैसा है एरीज का? देखिए एरीज, आपको इन्वेस्टमेंट करके कहां जहां कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, सोच समझ कर कीजिए। इन्वेस्टमेंट में मुझे ज्यादा लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपके साथ धोखा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखी है वहां से आपको डेफिनेटली प्रॉफिट्स होंगे। अब देखते हैं एरीज की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उनका रोमांस कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी, जो रिलेशनशिप में नहीं है हो सकता है उनको कोई नया जीवन साथी मिले, और आप अपने पार्टनर को पूरा विश्वास कीजिए और अपने विचार जबरदस्ती मत थोपिए। ऑल ओवर रोमांस ठीक ठाक रहेगा। अब देखना है कि एरिस की एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एरिस के लिए 2019 क्या लेकर आया है। देखिए स्टूडेंट्स अगर बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, जो एरीज हैं वो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट को सोच समझकर चूज करें। हो सकता है वहां पर आप धोखा खा जाएं, हो सकता है वहां पर आपको वैसा ना मिले जैसा आप सोचकर जा रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी किस्मत साथ देगी, बाकी अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट जो हैं सोच समझकर इसमें आगे बढ़ें। अब देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड एरीज का कैसा रहेगा। स्पिरिचुअल जो एरीज स्पिरिचुअल लाइन में है किस्मत उनका भी साथ देगी, वो जैसे चल रहे हैं उनको वैसे ही चलने की जरूरत है, अपने मार्ग पर उनको ज्यादा फेर बदल करने की जरूरत नहीं है, उनकी स्पिरिचुअल कंडीशंस बिल्कुल ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था सन 2019 के लिए टैरो प्रेडिक्शन बाय सुमन बंसल। दोस्तों आपको मेरे प्रेडिक्शन कैसे लगे, प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट दीजिए। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि कल रात को 9:30 बजे, कल संडे है ना, तो कल रात को 9:30 बजे हम फिर से मिलते हैं, लाइव सेशन होगा। आपको वहां पर एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, वहां पर आप जाकर उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। आप अभी से इन क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, लाइव सेशन में मैं आंसर दूंगी, व्हाट्सएप पर मैं किसी को आंसर नहीं दूंगी, आप लाइव सेशन में अपने आंसर ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल, और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।